एक जंगल च एक लोमड़ी रहिंदी सी। एक दिन दोपहर तक ओनू खाना नहीं मिला और भुखी परेशान होकर खाना टुंडदे टुंडदे इधर उधर पटक रही सी। खाने की तलाश च पूरा जंगल लब मारिया पर किथे भी खाना नहीं मिलिया। हुण मैं की करा, गर्मी नाले भुख ने मैनू बेहाल कर दिता है। हुण होर चलने दी शक्ति नहीं बची मेरे तो। ऐ कहंदी हुई भुख और गर्मी नाल परेशान होकर लोमड़ी एक पेड़ दे थल्ले बह गई। अगर कुछ खाने नू नहीं ना मिलिया तो मेरी जान निकल जानी हुण। हे रब्बा, हुण मैं की करा। तद लोमड़ी नू एक तरकीब सूझी और वह पिंड दी और चल पई। लेकिन जदो पिंड दे कोल पहुंची तद कुत्तियां ने ओनू वेख लिता और पौंगदे हुए उसके पीछे पै गए। लोमड़ी अपनी जान बचाकर जंगल दी ओर भज गई और कुत्तियां नू चकमा देकर एक घनी झाड़ी दे पिछे लुक गई। कुत्ते पौंगदे हुए अग्गे निकल गए। एक कुत्ते तो मैनू आज मार ही देंदे, हुण कदे पिंड च नहीं जावांगा। ऐ कहंदी हुई लोमड़ी उसी पेड़ दे थल्ले जाके बह गई जिस दे थल्ले पहला बैठी सी और कहण लगी, अज तो शायद मेरा नसीब ही खराब है। पिंड ते तो मैनू किसी ना किसी घर ते खाने नू मिल ही जांदा, कुत्तियां ने सारा खेल बिगाड़ता। सत्यानाश हो ना कुत्तियां दा। पेड़ दे थल्ले बैठी लोमड़ी गांव दे कुत्तियां नू भला बुरा कह रही सी। तद उसने चूं चिच रोटी दी गरई दबाए उड़दा आंदा हुआ एक कौआ वेखा। कौआ उसी पेड़ दे ही डाली दे आके बह गया जिस दे थल्ले लोमड़ी बैठी सी। आह, रोटी, इससे तो मेरी भूख मिट जानी है। कौए दे मुँह च रोटी वेख कर उस भुखी लोमड़ी दे मुँह च पानी आ गया और लोमड़ी सोचन लगी कि किस तरह यह रोटी मैनू मिल जाए, तद मेरी भुख मिटूगी। और लोमड़ी कौए तो रोटी छीनन की तरकीब सोचन लगी पर उसनु कोई भी तरकीब समझ नहीं आई। कौआ ऊंची डाली च बैठा चौकन्नी नजरां नाल इधर उधर वेख रहा सी जिवें ओनू अपनी रोटी की गराई का डर हो और कोई दूजा छीन ना ले, क्योंकि कौआ भी बहुता मुश्किलों नाल किसी बच्चे तो रोटी छीन कर लाया सी। कौआ किसी मोटी डाल की तलाश लई इधर उधर वेख रहा सी जिथे वह आराम नाल रोटी खा सके और रोटी जमीन ते भी ना डिगे। तद लोमड़ी नू एक तरकीब सूझी, उसने डाल दे उत्ते बैठे कौए दी ओर वेखा, मिठे बोल बोले होर कहा, मेरे प्यारे कौए भाजी, तुसी तो बहुत ही सुंदर हो। पूरे जंगल च तुहाडे जिहा सुंदर कोई दूजा पक्षी है ही नहीं। मैं बहुत प्रशंसा सुनी है तुहाडी, तुसी हल्ले तक किथे सी? बहुत दिनों बाद दिखाई दिते, किते दूजे जंगल च चले गए थे क्या? क्या ओ जंगल इस जंगल तो ज्यादा सुंदर है? कौए ने उसकी ओर वेखा लेकिन कुछ भी नहीं बोला। भुखी लोमड़ी बहुत परेशान हो गई कि शायद ए मेरे मन की गल जान गया। कौआ भाजी, तुसी तो दूजे जंगल तो चले गए थे, तुहाडी मिठी बोली सुनने वास्ते मैं बहुत व्याकुल था। अच्छा भाजी, तुसी तो गीत भी बहुत चंगा गाते हो, तुहाडी सुरीली मधुर आवाज देता सभी दीवाने सीगे। वैसे गाना तो मैं भी चंगा गा लैना पर मेरी आवाज बेसुरी है, क्या तुसी अपनी सोहनी सोहनी मिठी मिठी आवाज तो मैनू गीत नहीं सुनाओगे? लोमड़ी दी चलाकी दी गल कौए नू समझ आ गई कि ऐ लोमड़ी किसी तरह मेरी रोटी छिन्ना चाहती है। और कौआ अपने पैरां तो रोटी दबाकर बेसुरी आवाज विच गाने लगा। लोमड़ी समझ गई कि कौआ मेरी चाल समझ गया है, हुन मैनू कोई दूसरी चाल चलनी पैगी। अरे वाह कौआ पाजी, आज तो तुसी कमाल ही कर दिता, बस एक सुंदर जिया नाच दिखा दियो तब मजा ही आ जाऊगा। बिना सोचे समझे कौए ने नचना शुरू किता और रोटी दा टुकड़ा नीचे डिग पया। भुखी लोमड़ी ने छेती और टुकड़ा उठाया और उत्थो भज गई। कौआ अपनी बेवकूफी दे उत्ते पछताण लगा। शिक्षा, अपनी झूठी तारीफां तो सानू बचना चाहिदा। साडे YouTube चैनल नू हुणे सब्सक्राइब करो, नए वीडियो वेखणे वास्ते बैल आइकन जरूर दबाए। तुसी साडे वीडियो ते अपना कमेंट जरूर दियो, वीडियो नू लाइक करके अपने मित्रां नू जरूर शेयर करियो।